नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल के हाटी समुदाय को दिया अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का बहुप्रतीक्षित फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस ऐतिहासिक निर्णय से सिरमौर जिले की 1.60 लाख से अधिक की आबादी लाभान्वित होगी। सिरमौर के 4 विधानसभा क्षेत्र रेणुका, शिलाई, पच्छाद और पापटा के बड़े भूभाग पर रहने वाले लोगों को ये दर्जा मिलेगा। हिमाचल के मंडी और धर्मशाला में रेंज स्तरीय साइबर थाने स्वीकृत, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंडी और धर्मशाला में 2 नए रेंज स्तरीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्वीकृत किए। सीआईडी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन शिमला को अब नए सिरे से रेंज स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला अधिसूचित किया गया। अब हिमाचल में 3 रेंज स्तरीय साइबर अपराध पुलिस थाने होंगे। मंडी और धर्मशाला साइबर थाने 1 अक्टूबर से काम करना शुरू कर देंगे। पंजाब के पटियाला से सप्लाई हुई है नोटों के कतरने, पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा। अब हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की भुंतर सब्जी मंडी में बड़े पैमाने पर नोटों की कतरने पाई गई और पैकर अनार के बॉक्स में इसे पैक करते हुए मिले। शुरुआती जांच में ये कतरने पंजाब के पटियाला से सप्लाई होने की बात सामने आई। इससे पहले सोलन की सब्जी मंडी में अनार की पेटियों से नोटों के कतरने मिलने के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मरीजों को राहत, आईजीएमसी के बाद अब टांडा में शुरू होगी ओपन हार्ट सर्जरी। आईजीएमसी के बाद अब टांडा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की ओपन हार्ट सर्जरी शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने नवंबर माह में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू करने के निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर होंगे 880 परिवार, इन 3 वजह से रहेंगे लाभ लेने से वंचित। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 880 आवास के लाभार्थी योजना से बाहर होंगे। योजना के तहत आवास बनाने के लिए अपने हिस्से की रकम देने में असमर्थ लाभार्थियों के आवास आवंटन के 3 से 4 साल बाद भी निर्माण शुरू न करने वाले व चिन्हित भूमि को लेकर विवाद होने की वजह से इन आवासों को योजना से बाहर किया जा सकता है। ड्रोन से भांग की खेती का पर्दाफाश, चौपाल में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने की कार्रवाई। सेब के बगीचे में उगाए थे पौधे। जिला शिमला के चौपाल में सेब के बगीचे में भांग के पौधे उगाने का मामला सामने आया। पुलिस की स्टेट सीआईडी शिमला को सूचना मिली कि दिनेश कुमार पुत्र ईश्वरी नंद निवासी ग्राम तुहिल पीओ चंबी तहसील चौपाल जिला शिमला ने अपने सेब के बगीचे में भांग की खेती की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने पहले ड्रोन कैमरे से क्षेत्र की रेकी की, इसके बाद यहां पर दबिश दी गई। इस पर जब सेब के बगीचे में जाकर देखा तो भांग के 278 पौधे मिले। ये खेती अवैध रूप से की गई थी, पुलिस ने इसे सीज कर दिया और अब जल्द ही इसे नष्ट कर दिया जाएगा। कुल्लू में भरे जाएंगे आशा वर्कर्स के 35 पद, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। कुल्लू जिले के विभिन्न भागों में आशा वर्कर्स के कुल 35 पद भरे जाने हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न स्वास्थ्य खंडों के तहत पंचायतों के वार्ड स्तर पर पद भरे जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायतों और नगर समितियों के तहत वार्ड स्तर पर इन पदों को भरा जाना है। मंगेतर के साथ होटल में गई युवती ने उठाया ये खौफनाक कदम। गगल पुलिस थाने के अंतर्गत एक 24 वर्षीय युवती की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है। डीएसपी कांगड़ा मदन लाल ने बताया कि शाहपुर थाने के अंतर्गत रहने वाली युवती ने अपने मंगेतर को गगल बुलाया, जिस पर वो मंगलवार शाम को वहां पहुंच गया। इसके बाद वे दोनों एक निजी होटल में गए, जहां रात्रि 11 बजे के बाद युवती उल्टियां करने लगी। इस दौरान उसने अपने मंगेतर को बताया कि उसने कोई जहरीली दवाई खा ली है। इसके बाद उसे तुरंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा लाया गया, जहां बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई। प्रदेश में इस दिन थम सकते हैं निजी बसों के पहिए। प्रदेश भर में 24 सितंबर को निजी बसों के पहिए थम सकते हैं। निजी बस चालक परिचालक यूनियन उनकी मांगों को लेकर की जा रही अनदेखी के खिलाफ प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रही है। पंजाब युवा कांग्रेस अध्यक्ष, पंजाब के लोग धोखा खा गए, हिमाचली झांसे में न आए। पंजाब के युवा कांग्रेस अध्यक्ष बरिंद्र सिंह ढिल्लो ने आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम करार दिया। उन्होंने कहा कि आप हिमाचल में वोट काटने आई है, पंजाब की जनता आपको मौका देकर धोखा खा बैठी। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोग इनके झांसे में न आए। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए ढिल्लो ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर कई सवाल उठाए।
आईआईटी मंडी रिसर्च दिमाग की बीमारी और कैंसर के कारणों को समझना होगा और आसान। आईआईटी मंडी ने शोधकर्ताओं ने मिलीमीटर के हजारवें हिस्से के आकार की लाइसोसोम कोशिका की उपसंरचना के आंतरिक ढांचे के अध्ययन का सूक्ष्म तरीका खोज निकाला है। इस शोध की मदद से भारत में तेजी से बढ़ रही दिमाग की बीमारी, न्यूरो डिजनरेशन, प्रतिरोधक क्षमता की कमी और कैंसर के कारणों को समझना आसान होगा और बेहतर दवा अनुसंधान के मार्ग भी प्रशस्त होंगे। स्टेनोग्राफर भर्ती पोस्ट कोड 786 का अंतिम परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 786 के तहत स्टेनोटाइपिस्ट के 33 पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग ने पुलिस विभाग और श्रम एवं रोजगार आयुक्त कार्यालय शिमला में स्टेनोटाइपिस्ट के इन पदों को भरने के लिए मार्च और जुलाई 2020 में आवेदन मांगे थे। विधायक हंसराज का धमकाने का एक और वीडियो वायरल। सियासी गलियारों में चर्चा में रहने वाले चुराह के विधायक हंसराज का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 19 सेकंड के वीडियो में विधायक हंसराज कह रहे हैं कि जिनके दिमाग अभी खराब है वे लोग संभल जाएं। 2 माह बाद हमारे भाजपा और हमारे रिश्तेदारों के दरवाजे पर मत आना। प्रतिभा बोली, जयराम सरकार सरकारी खर्च पर अपनी चुनावी सभाओं में ही मस्त। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि जयराम सरकार सरकारी खर्च पर अपनी चुनावी सभाओं में मस्त हैं और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई। दिन दहाड़े हत्याएं, लूटपाट, मारपीट और महिलाओं के साथ बढ़ते जघन्य अपराधों से देवभूमि शर्मसार हो रही है। अपराधी आते हैं, किसी को भी गोलियों से भून कर बेखौफ वापस चले जाते हैं। उन्होंने जयराम सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार के प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं रह गई। पीएम मोदी हिमाचल के मंडी से करेंगे PMGSY फेज 3 का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के मंडी से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को इस योजना के तहत 45 नई सड़कों को मंजूरी दी। इसमें हिमाचल की 250 और इससे अधिक आबादी के गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाना है। मारकंडा बोले, 12,000 लोगों की 12 करोड़ ब्याज और जुर्माना राशि सेटल होगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति विकास निगम से लिए कर्ज के मामले में वन टाइम सेटलमेंट का प्रावधान करेंगे। इससे 12,000 लोगों की 12 करोड़ की ब्याज और जुर्माना राशि सेटल की जाएगी। ये लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को मिलेगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।